फलस्तीन के मुतालबात जो हक में हैं उनकी मंजूरी तक हम यहीं बैठे हैं। पाकिस्तान आतंकवाद, भुखमरी और भीख के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। अपने मुल्क में आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला जब किसी और को आतंकी घोषित करता है तो पूरी दुनिया उस पर हंसती है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ। दरअसल पाकिस्तान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित कर दिया है। ये फैसला उस कट्टरपंथी संगठन के दबाव में लिया गया है जिसे पाकिस्तान में 3 साल पहले आतंकवाद रोधी कानून के तहत बैन किया गया था। ये संगठन है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। ये वही संगठन है जिसका कनेक्शन उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के आरोपियों का सामने आया था। उसी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के प्रदर्शनकारियों के दबाव का सामना कर रही पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित कर दिया है। साथ ही मांग की है कि उनको फिलिस्तीनियों के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए इंसाफ के कटघरे में लाते हुए मुकदमा चलाया जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्ला ने कहा कि नेतन्याहू एक आतंकवादी और युद्ध अपराध के दोषी हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी हाल ही में गाजा में इजराइल की कार्रवाई को नरसंहार कहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक धुर दक्षिणपंथी पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP बीते कुछ वक्त से राजधानी इस्लामाबाद में प्रदर्शन कर रही है। TLP के लोग नेतन्याहू को आतंकी घोषित करने के इस्लामाबाद को रावलपिंडी से जोड़ने वाले रोड पर धरना दे रहे थे। ऐसे में सरकार ने इस धरने को खत्म करने के लिए TLP के साथ समझौता करते हुए ये फैसला किया है। इस्लामाबाद में TLP नेताओं के साथ राणा सनाउल्ला और सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू पर लिए फैसले की जानकारी दी। अब आप सोचिए, दुनिया भर में आतंकी घोषित हुए खूंखार आतंकियों को अपने मुल्क में पनाह देने वाला पाकिस्तान इजराइल के प्रधानमंत्री को आतंकी घोषित कर रहा है। खैर, भुखमरी और मुफलिसी में दिन काट रहे मुल्क पाकिस्तान के ऐसे करने से भला क्या नेतन्याहू की सेहत पर कोई असर पड़ेगा? जब सारे अरब मुल्क मिलकर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अमेरिका जैसी महाशक्ति नेतन्याहू के हौसले को नहीं तोड़ पाई, तो भूखे नंगे पाकिस्तान की क्या बिसात। अब आपको बताते हैं कि पाक PM के सलाहकार राणा ने क्या कहा। राणा सनाउल्ला ने कहा कि हम मांग करते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू पर मुकदमा चलाया जाए। हम गाजा में क्रूर हमलों के लिए इजराइल और उसके सहयोगियों की कड़ी निंदा करते हैं। इजराइल के सभी प्रोजेक्ट्स और कंपनियों का भी बहिष्कार किया जाएगा। सरकार एक कमेटी बनाएगी जो ये पता लगाएगी कि किन प्रोजेक्ट का इजराइल से संबंध है। इसके बाद इन उत्पादों को बैन किया जाएगा। इन पाकिस्तानियों से कोई पूछे कि तुम जिन प्लेटफॉर्म पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव कर रहे हो वो भी तो इजरायली कंपनी ही है। जो एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर रहे हो वो भी इजरायल की कंपनी ने ही बनाया है। तुम लोग क्या क्या बैन करोगे? यही नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने इस महीने के अंत तक फिलिस्तीनियों के लिए करीब 1,000 टन राहत सामग्री भेजने की भी बात कही है। एक कहावत है ना कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। वही हाल पाकिस्तान का है। अपने मुल्क में लोग 2 वक्त के खाने को मोहताज हैं, लेकिन ये फिलिस्तीन में राहत सामग्री भेजेंगे, क्योंकि दुनिया में खासकर मुस्लिम मुल्कों में शेखी जो बघारनी है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।